ये लोग आज मुझे अपने घर पे होस्ट कर रहे हैं, तो ये इनका घर है और सुबह ये है एक टिपिकल चूल्हा कि इस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा नेटवर्क आता है। तो अभी भाई के घर पे थे, भाई के घर पे नेटवर्क नहीं आया था, बट जैसे इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे आके 4G चलने लग गया। बांग्लादेश की मेहमान नवाजी मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाई है। नहीं नहीं, हम रास्ते में कर लेंगे भैया। आपका घर कहाँ है? जी मेरा घर दिल्ली में। We are going on the top of your house. Yeah, top of my house, also top of my peaks. What's there? Sunset? Yeah. We also see the sheep, radio, so many things. So guys, इस वीडियो में माही भाई अपना विलेज दिखाने वाले हैं। तो इनका विलेज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। You will learn a lot of Hindi from me. Yeah. तो कुछ ऐसी होती है गाँव की लाइफ। बांग्लादेश लाइक यू नो द डीप साइन गांव कहते हैं ना, रूफ टॉप में गांव है। तो हेलो, न्यू विलेज, न्यू विलेज है ये सड़े। हम वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। ओके, वहाँ बैठे हैं ना? हाँ, दो लोग मैं बैठा है ना। तो ये भाई बोल रहे हैं अभी जो आपको सामने पीक दिखाई दे रही है वहाँ पे ये कल कैंपिंग करने गए थे। So you were camping alone or yeah, with someone else? My, me and my young brother. ये है मेरा एरिया का, मेरा सोशल का हाईएस्ट पीक है ये। हाईएस्ट पीक है। Yeah, this was the sea and sunset. अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि इनके जो यहाँ का एरिया है पूरा उसका हाईएस्ट पीक है यहाँ से, और हाईएस्ट पीक से मतलब पूरा माउंटेन वगैरह यहाँ से सब दिखाई देता है। तो भाई तो काफ़ी तेज़ी से आगे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पैर संभाल के चलना पड़ रहा है। इस रास्ते पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। भाई तो फटाफट चढ़ता जा रहा है, मैं ऐसा लग रहा नीचे फिसल जाऊँगा। नीड टू बी केयरफुल। आप तो फटाफट इन पहाड़ पे चढ़ सकते हो, मैं नहीं चढ़ सकता ना, मुझे आदत नहीं है। क्या हुआ, कुछ घुस गया पैर में? हाँ मैम। वाह, क्या था? हे, कांटा है, कांटा, छोटा सा कांटा। तो अब आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी है यहाँ पे बांग्लादेश की विलेज लाइफ। आगे आपको और भी ज्यादा विलेज लाइफ में दिखाऊंगा इस वीडियो में। रूरल विलेज है पहाड़ के साथ। Okay. People don't see like this, so the tourist was never come there. अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं, हाँ जाओ जाओ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हेलो, देखते हैं। डक्स और कबूतर पाल रखे हैं। ये कबूतर पालतू है मतलब? हाँ हाँ पालता है। क्या चीज के लिए? ये बाद में खाने के लिए या फिर समटाइम्स खाने के लिए पालता है, शौक के लिए पालता है। ओके, यहाँ पे लोग खा लेते कबूतर? हाँ खा लेते। Little bit of trouble. No problem. I'll try my best. That's not bad. Now, हाथ धोरे ना। अच्छा समस्या नहीं, बार में कौन कौन? ये बोल रहा है भाई, इस बंदे क्या कर रहा है भाई? So, they बोल रहा है भाई, वो क्या क्यों वीडियो कर रहा है? खुशी के लिए और कोई मकसद है ऐसे? हाँ जी। बांग्ला पूछे ना। सो गाइस, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा नेटवर्क आता है, तो अभी भाई के घर पे थे, भाई के घर पे नेटवर्क नहीं आया था, पर जैसे इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे आके 4G चलने लग गया। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रामीण फ़ोन की सिम ली है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेटवर्क आ रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर आके। तो अभी मैं आज ही आया हूँ और आज ही मतलब इतना ऑथेंटिक एक्सपीरियंस करने को मिल गया है। ऐसी गाँव की लाइफ किसी किसी को देखने को मिलती है। काफ़ी टाइम से मेरा मन था गाँव की लाइफ देखने का, तो देखने को मिल गया। दिल्ली में रह रहे के सिटी को देख देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और मैं वैसे भी अभी 4-5 दिन से ढाका में था। ढाका में पूरा सिटी लाइफ है, तो ऐसा गांव का एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से उतरना पड़ेगा? यहाँ से उतरना पड़ेगा, हो जाएगा स्लोली भाई। आ जाओ। नहीं नहीं, मैं आ जाऊँ, अकेला जाऊँगा, हो जाएगा। यूजुअली यहाँ से लोग आते जाते हैं? हाँ हाँ, यूजुअली आते जाते हैं। वो कैसे आते जाते हैं? लकड़ी लेती है। क्या लकड़ी? फायर बोन के लिए।
अच्छा ये है एक टिपिकल चूल्हा, वो लोग इस पे खाना बनाते ना। Bonfires and everything they put there there every day other things also every day yeah unara ke apni your friend ote theke ase walder bibhinno country theke ase amar sathe to porichoy ase amra amio ghurte beroi to tumra cancer kon jada ase aapko hindi aate kya nahi ki bolte nahi hindi nahi aate hindi paran hum bujina ora bujhe chhota wala is his father was no that His father know that Hindi. मेरे घर उस जगह से है, मैं दिस पहाड़ टपका के गया हाई स्पीक पे, ऊंचा वाला पीक पे, देन आया नीचा में एंड देन अदर रोड में आया मैंने इस जगह। ये भाई बोल रहा है मतलब हम यहाँ से गए थे उस जगह से गए थे मतलब हम ऊपर वाले पहाड़ से गए थे तो फिर ऐसे पहाड़ से पहाड़ टापते इधर से नीचे आए हैं कि ये चीज क्या है यार। ये क्या चीज़ है? वाटर पाइपलाइन सप्लाई। मतलब ऊपर को क्यों लगा रखा है? थोड़ा ऊपर क्यों लगा रहा है? कॉज लाइक इस जगह से कोई फट दिया और ब्रोक हुआ तो अच्छा पानी तो चला जाएगा ना। ये वाली मेन वाटर पाइप है या फिर ये सिर्फ ऊपर करने के लिए? ऊपर करने के लिए ये जो पिलर है, देन सो मेनी पाइपलाइन है। ए राफी और कोका खोज नीचे। ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब इस जगह पे स्नेक्स वगैरह होते हैं पर मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। वाटरमैन है। और क्या नाम आपका? अच्छे हो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राफी, मोहम्मद राफी। मोहम्मद राफी, आप भी इसी गाँव में रहते हो? यस। अच्छा, हम यहाँ पे रहते। कैसी है लाइफ यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट अच्छी है। सो किधर से आए आप? अभी ये लगे थे पहाड़ टू पहाड़ हम टापते आ रहे हैं। ये है मेरा और वाटरमैन है। अच्छा, ये वाटरमैन है? हाँ, वाटरमैन है। ये पानी का बिजनेस है हमारा। पानी का बिजनेस है। अच्छा ग्राउंड वाटर या फिर कहीं और से सप्लाई आता है? ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को कैसे मोटर से निकालते हैं? हम निकलते हैं उसके बाद सप्लाई देते हैं पूरे गांव में। हैं पूरे गांव में। क्या बात है। हम हैं और दूसरा तीसरा भी बिजनेसमैन है। मतलब यू आर द रिचेस्ट पर्सन हियर? ना, नॉट रिचेस्ट बट पानी का बिजनेस कर रहे हैं। तू अपना कहीं भाषा जा, यू कैन गो विद माय ब्रदर विथ होम। ओके, कम ऑन। सो गाइस, जिन माही भाई से मैंने आपको मिलवाया था तो उनके ये छोटे भाई हैं। क्या नाम है भाई आपका? मीनार। मीनार, हाँ। ओके, तो ये मीनार भाई हैं। ये लोग आज मुझे अपने घर पे होस्ट कर रहे हैं। तो ये इनका घर है और इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को होस्ट किया है। तो ये भाई अभी यही बता रहे थे मुझे कि कितने सारे लोगों को इन्होंने यहाँ पे होस्ट किया है। यहाँ पे विलेज में इतने सारे काउच सर्फिंग के सर्फर्स आते हैं इनके पास। तो अब क्या बता रहे थे कि कौन कौन आए हैं यहाँ पे, कितने लोग? इटालियन एक आया था, स्कॉटिश, इंडोनेशियन, इंडियंस। कितने आए हैं? थ्री इंडियंस। अच्छा, मैं लेके फोर। तो इसी उम्र में कितना ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मिल जाता है बच्चों को, इंटरनेशनल एक्सपोजर, कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, कितने ज़्यादा चीज़ें ये सीख पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। आपने हिंदी कैसे सीखी? मैं फ्री फायर गेम एक साल खेला था, उस टाइम मैं सीखा था। और मूवीज देख देख के। आप घर में टीवी में मूवीज देखते हो? टीवी में नहीं, या टीवी जिस टाइम टीवी बेकार पड़ी है, जिसका समस्या कारण नहीं जाती चले जाती है। ये भाई का टीवी है यहाँ पे मेरे बैग के पीछे। तो यहाँ पे मतलब केबल की थोड़ी सी समस्या है, इस वजह से यहाँ पर टीवी की कभी कभार आता है कभी कभार जाता है। तो आप मोस्टली टीवी कहाँ पे जाके देखते हो? किसी और के घर पे जाके? टीवी नहीं देखता हूँ। तो आप ऊपर वहाँ पे माउंटेन पे जाके भी नेट चलाते होंगे ना, इंटरनेट? वहाँ पे जाके अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन आता है? घर के बाहर भी इंटरनेट आती है, घर में कम। घर में कम माउंटेन में। कल रात हम मेरा भाई और मेरा भाई की दो होस्टर बड़ा भाई था उसके साथ माउंटेन पे गए थे। हाँ, कैंपिंग करने। हाँ, वो बता रहा था कि ये लोग कैंपिंग करने गए थे उसी माउंटेन पे, जिस माउंटेन पे अभी हम लोग भी होके आए हैं। मैं नहीं जानता आप घूम के आए हो। हाँ, वो बोले ऊपर वाले माउंटेन से अभी हम होके आए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। बहुत ही अच्छी हिंदी है। ये क्या चीज़ है हाथ में? ये है एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी अरबिक, बंगाली एंड इंग्लिश। आई ट्राई टू बी द अज्यूमिंग अरबिक। अरबिक सीख रहे हो आप?
अरबिक में बोल सकता हूँ लाइक अराउंड लाइक 20-30% अपने हो तो ओ स्ट्रेंजर के देखने की वजह स्ट्रेंजर्स थोड़ा सा डर जाते बच्चे क्या नाम है इसका खदीजा खदीजा बाहर थे तो भूख रहा है तो तो गाइस इनकी ये फैमिली है इनके अभी फादर अभी काम पे गए हैं तो काम से अभी आएंगे 9 बजे 9-10 बजे तक आते हैं तो इनके पापा का मतलब बिजनेस है ये टिकट सेल करते हैं बस की टिकट सेल करते हैं मेनली यही सोर्स ऑफ इनकम घर में रहता है सोर्स ऑफ इनकम हां और यू आर आल्सो अर्निंग लाइक आपका सो गाइस ये बच्चा मुझे दिखा रहा है अभी कि जो जो यहाँ पे होस्ट आते हैं वो इसको मतलब करेंसी देके जाते तो मैंने भी करेंसी दी 10 रुपीस और ये मेरा कलेक्शन वेस्ट मेमोरी कलेक्शन में ऐड हो गया हाँ, ये okay. जिंदगी भर मैं रख दूंगा सजा के कि ये डॉलर है आपके पास ये अमेरिकन अमेरिकन डॉलर है ये वाला कहाँ का तुर्की तुर्की का ये इंडोनेशिया ये ओमान की वीसा ओके ये नेपाल ओके ये दिस का पोलस के ये भी नेपाल काफी सारे कॉइन्स हैं तो काफी सारी करेंसी इसने अपने पास कलेक्ट कर रखी है तो इसको करेंसी कलेक्ट करने का शौक है बड़ा होके ट्रैवलिंग शुरू करना चाहती हूं फिर मैं भी गिफ्ट दूंगा कुछ छोटे को मेरा एक शौक है इसलिए मैं जमा करके ये एक मेमोरिज्म रखा हूँ भाई के चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज सो गाइस बांग्लादेश की मेहमान नवाजी मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाई है आप देख सकते हैं कि भाई ने इतना ज़्यादा खाना हमारे लिए अभी आज लाए हैं डिनर के लिए भाई का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं आज के डिनर के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका पोटैटो है और चिकन है ना चिकन और श्रिम्स तो भाई ने काफ़ी सारा खाना लाया है नहीं नहीं हम रास्ते में कर लेंगे रास्ते में कर लेंगे हम कोई हाथ नहीं चलो ऐसे हो जी मेरा घर दिल्ली में दिल्ली में हाँ जी आपको हिंदी आती है क्या आपका क्या नाम है आपका नाम मुर्गियाँ जैसे यहाँ पे हर जगह होती हैं तो क्या इन मुर्गियों को कोई पकड़ के मतलब अपने पास भी ले लेता है क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं भी देख रहा हूँ यहाँ पे मुर्गियाँ हर जगह बाहर घूम रही हैं तो मेरे दिमाग में यही आता है कि पड़ोसी का भी एक दूसरे की मुर्गी ले लेता हूँ एक दम से पका के खाने के लिए गाँव में ये नहीं होता नहीं होता यहाँ सुबह सुबह हर रेस्टोरेंट इस तरीके का कुछ रेस्टोरेंट होता है यहाँ पे नाश्ता पकाया जा रहा है और नाश्ते में यहाँ पे भी रोटी खाते हैं तो रोटी यहाँ पे थोड़ी सी अलग टाइप की होती है ठीक है ये एक एक उसका अंदर है क्या है खाजा का उरुस पर रहा है अच्छा खाजा का खाजा का उरुस मींस लाइक अ रिचुअल पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड समटाइम्स है रिचुअल यहां पे विलेज में यहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल मुस्लिम्स हैं पर यहां पे फिर भी मुझे एक टेंपल दिखाई दिया जो मतलब ये हिंदू टेंपल है ये वाला आप ऊपर देख सकते होंगे अभी वहां ऊपर पता तो हमारे भाई के पास है कहां जाना आपने इंडिया जाना मैं इंडिया बा हूं बाहर देश में देश में जाना है अच्छा फैमिली के वास्ते फैमिली कहाँ पे आपकी फैमिली यहाँ पे वो भाई जहाँ रहने वाला है मैं वहाँ पे बाहर का कमाने के लिए जाना है ना कमाई के लिए दावत के लिए मैंने यानी कि दीन पसारने के लिए किसके लिए दीन पसारने के लिए मैंने यानी कि दावत देने के लिए इस्लाम यू नो दे फॉलोइंग इस्लाम मैन इज गुड सो मीन स्प्रेड गुड यू नो
और अंडरस्टूड दे पार्ट ऑफ इस्लाम इस्लाम स्प्रेड करने के लिए हां स्प्रेड करने के लिए चलो पासपोर्ट का हो जाएगा आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा बस 3-4 दिन के बाद हो जाएगा हो जाने के बाद फ्री हो जाएगी फिर कहां बाहर कंट्री कहां पे जाना है अव्वल इंडिया का जाना है अब इंडिया जाना है दिल्ली बा जम्मू कश्मीर वहां का वहां का एक मरकज है बड़ा मरकज है दावतौलिक का वहां सब तय करेंगे तय करने के बाद यहां लोग आएंगे 10 में आकर आबार दोबारा सब शुरू करेंगे इसके दौरान बार बार चहोते रहेंगे वो तो मिले आपको दहा मिलेंगे सो गाइस ये था माही भाई का विलेज तो विलेज लाइफ माही भाई ने आज हमें दिखाई तो आपको भी देखने को मिली कि कैसी होती है यहाँ की विलेज लाइफ चिटागोंग की एक बार दोबारा बताना विलेज का नाम ओ जंगल सलीमपुर जंगल सलीमपुर इस जगह का नाम था जंगल सलीमपुर तो इस जंगल सलीमपुर से अभी सी ऑफ लेते हैं अभी हम शिप यार्ड में जा रहे हैं तो वो पार्ट मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा सो अभी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम इन आवर शीफ ग्रेवी वेटिंग फॉर समथिंग एक्सेप्शनल मैन